मिशन 2013 के लिए भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान की समीक्षा के लिए आज प्रदेश कार्यालय में भाजपा विधायकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के बारे में बताया। पहले चरण में शुरू हुई बैठक में इंदौर उज्जैन संभाग के विधायक शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाएंगे और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाएंगे। शहरों में भी जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी जा रहे हैं। ऐसा कोई MLA नहीं है जो इस अभियान के अंतर्गत दो तीन तीन दिन अभी तक नहीं गया हो। और आज मैंने फीडबैक लिया तो सभी ने कहा कि लगभग मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं से भी जनता में संतोष है और एक अच्छा है, कहीं कोई प्रश्न नहीं है। छोटी मोटी हेडपंप वेडपंप की समस्याएं आती हैं तो हम लोग उसको निराकरण करा रहे हैं। और इस अभियान में हम लोगों ने विधायक पर इस अभियान को केंद्रित नहीं किया, ये अभियान कार्यकर्ता आधारित अभियान है और इसमें जितनी एक कार्यकर्ता की जवाबदारी है उतनी विधायक की जवाबदारी है। हमारी कोशिश है, श्रीनगर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं और इनके बढ़ने का जो मूल कारण है वो है केंद्र में कमजोर सरकार का होना। अगर सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती है तो इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले से भी इस बात को कहती रही है कि आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है, सबको मिलकर इसका सामना करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र सरकार हर समस्या को राजनीतिक चश्मे से देखती है और राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो इन समस्याओं को वो निराकरण करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि भाजपा का ये महाजनसंपर्क अभियान पार्टी की इच्छा के अनुरूप नहीं है, क्योंकि भाजपा के बड़े नेता इस अभियान में रुचि नहीं ले रहे हैं। यही कारण है कि आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में विधायकों की ये बैठक आयोजित की गई है। कैमरा पर्सन परवेश खान के साथ हृदय धारवाड़ MSTV न्यूज भोपाल।